हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में आईपीएल मैच पर 12.28 करोड़ का सट्टा पकड़ा। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने बडलों का चौक जाखंड की हवेली स्थित मकान में दबिश देकर आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास दो रजिस्टर में सट्टे के साथ जुआ व गुब्बा खाई का 12.28 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। एसीपी देरावर सिंह सोडा ने बताया कि बडलों का चौक जाखंड की हवेली स्थित मकान में आईपीएल मैच पर सट्टा बुक होने की सूचना मिली। थाना अधिकारी हरीश चंद्र सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस ने मकान में दबिश दी, जहां आईपीएल मैच पर सट्टा बुक कर रहे रोशेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक एलईडी, 11 मोबाइल लाइनों से जुड़ी एक अटैची, एक टैबलेट, दो बेसिक फोन मोबाइल से जुड़े और 27,000 रुपए जब्त किए गए। दो रजिस्टर में 12,28,93,411 रुपए का हिसाब मिला है। जांच कर रहे सदर बाजार थाना अधिकारी बंशील राम ने धोखाधड़ी व गैम्बलिंग की एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार रोशेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी हरीश चंद्र सोलंकी का कहना है कि आरोपी क्रिकेट पर सट्टे के अलावा ताश के पत्तों से जुआ व गुब्बा खाई में भी शामिल रहा है। उसके पास दो रजिस्टर में 12.28 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है, जो फरवरी से अब तक ताश के पत्तों से जुआ खाई वाली व क्रिकेट सट्टे का है। बटलों के चौक के पास में रोशेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो अपने घर के ऊपर ही प्रथम मंजिल पे जो आईपीएल सट्टे की कार्रवाई कर रहा है, तो फिर हमने टीम बना करके दबी थी। तो उसमें रोशेंद्र सिंह को ऑनलाइन आईपीएल सट्टा लगाते हुए सट्टे के उपकरणों से अरेस्ट किया। क्या क्या उपकरण मिले और कितने हिसाब पे? टोटल आईपीएल का जो हिसाब है उसके अलावा भी उसका जो क्रिकेट मैचों का और बाकी सट्टे के हिसाब पे कुल 12,47,00,000 का हिसाब है लगभग। और उसके अलावा उसका जो एलईडी है, उसकी जो अटैची है जिसमें 11-12 मोबाइल लगे रहते हैं सट्टे लगाने के लिए, और बाकी जो जुआ की दूसरी सामग्री होती है वो सारी साथ में मिली है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।